हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग ओवरटेक ए पर्सन हु इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड पास हिम कम्प्लीटली इन 7.5 सेकेंड। देखो 75 मीटर का डिस्टेंस, 7.5 का मतलब है 15/2, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इनकी रिलेटिव स्पीड है। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करें तो इसको 2 पे डिवाइड करेगा तो 36 किलोमीटर पर आर कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर आर। अब देखो यहाँ पे जो पर्सन है उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आर, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या रही होगी, 30 किलोमीटर पर आर। ठीक है, उसके बाद इट ओवरटेक ए सेकेंड पर्सन इन द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट पर्सन एंड पास्ट हिम इन 3/4। देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं 6/3/4 कितना बनेगा, 27/4। तो यहां से अगर हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो 75 डिवाइड बाई 27 और ऊपर 4 चला जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो 100/9 मीटर पर सेकेंड और इसको किलोमीटर पर आर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, ये कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आर। और पहले स्पीड क्या थी ट्रेन की, 30, तो पर्सन की स्पीड कितनी रही होगी, 10 किलोमीटर पर आर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख पेज इन 8 आवर्स, पी कितने टाइम में कर रही है, 8 आवर्स में, एंड क्यू द सेम नंबर ऑफ पेजेस इन 10 आवर्स, और क्यू ने कितने में किया, 10 आवर्स में, वही आर कैन प्रिंट इन 12 आवर्स और आर ने कितने में किया है, 12 में। अगर मैं इन सब का एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 120 होगा। पी की एफिशिएंसी क्या होगी, 15, क्यू की एफिशिएंसी 12 और आर की एफिशिएंसी क्या होगी, 10। ऑल द मशीन्स आर स्टार्ट एट 9 AM एंड वाइल मशीन पी इज क्लोज एट 11, मतलब तीनों मशीन ने 37 के एफिशिएंसी से 2 घंटे तो काम किया, मतलब 74 यूनिट तो फिल कर दिया। देखो तो टोटल अभी भी हमारे पास 74 हो गया है, उसके बाद पी को क्लोज कर दिया गया, बचा हमारे पास 22 था, और यहाँ से जो टोटल वर्क बचा है वो कितना बचा है, 46 डिवाइड बाई 22, तो अप्रोक्स 2 आवर्स उसने पूछा था, अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा। देखो 11 बजे तक चले थे तो 11 बजे के बाद 2 घंटे और आप ऐड कर लो तो कितना टाइम हो जाएगा, दोपहर के 1 बजे, 1 PM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:1। ए और बी की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5:1 है। द रेशियो ऑफ ए इज 4 years ago, मतलब अगर ये 5x और ये x है तो 5x-4 एंड बी इज 4 years hence x+4, 1:1 है तो मतलब इक्वल है। अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो 4x किसके इक्वल, 8 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो मतलब अगर b की एज 2 साल है तो a की एज कितनी है, 10 है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ a इज 4 ईयर हैंस, मतलब 14, b इज 4 ईयर्स एगो, एक सेकेंड, चाहिए 5:3 है, 5:3 है ये, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, 5:3, तो ये 3x+4 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारी। ठीक है, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो b की एज 12 हो जाएगी और a की एज क्या हो जाएगी, 20, ये कितना हो जाएगा, 24, और ये 8 हो जाएगा, तो रेशियो लेंगे तो 3:1, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड एन ऑन एन अमाउंट ऑफ 16,500 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज 5,940। ये 3 साल में इंटरेस्ट मिला है किसके ऊपर, 16,500 रुपये के ऊपर इंटू 100। ठीक है, देखो सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले किस पे डिवाइड करेगा, देखो 1 पे, ठीक है, उसके बाद ये 2 और ये 9, 29, फिर 7 पे करेगा, फिर 8 पे और फिर 0 पे, और इससे डिवाइड करेंगे तो पहले तो 1 पे करेगा,
के बाद ये आपका 2 पे डिवाइड करेगा, तो 12% ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। उसके बाद उसने पूछा व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम रेट इन द सेम पीरियड। मतलब देखो 12% आपका 3 ईयर लगेगा, तो आर इंटू टी 36 तो हो ही जाएगा, प्लस 12 का स्केयर कितना है 144 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये लगभग 4.5, तो अप्रोक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 40.5 होगा। कितना होगा 40.5, देखो इसका 10% कितना है 1650 है, मुझे इसका सबसे पहले तो 40% कैलकुलेट करना है जो कि 6600 होगा, और इसका 0.5% कितना होगा 80, मतलब 6680 उसके आसपास मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा अप्रोक्स में कैलकुलेट करो, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन द रेशियो 2:3:5, तो ये 2x 3x और 5x के रेशियो में पैसा लगाया गया था। आफ्टर 2 months ए इंक्रीज हिज शेयर बाय 20%। देखो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए तो मैं इसको 20, इसको 30 और इसको 50 कर देता हूं, ठीक है, तो ये पैसा तो इसका 2 महीने के लिए लगा था। After 2 months, A ने क्या किया 20% increase कर दिया, तो मतलब 4 rupees increase कर दिए, तो कितने हो गए 24 हो गए। And B by 10%, इसका 10% कितना होगा 3 हो जाएगा, तो ये 33x हो गया। If the total profit at the end of 1 year, अब देखो 1 साल के बाद, और इसका पैसा तो पूरा 12 महीने के लिए लगा था, तो ये पैसा 10 महीने के लिए लगा, और ये इसका भी पैसा 10 महीने के लिए, ये कितना हो जाएगा देखो 240 + 20 × 240, x को हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 330 + 60, और ये कितना हो जाएगा 600, तो फाइनली कितना आ गया 280, 390 और 600। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, x हटा ही देते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे, ठीक है, इवन कैलकुलेशन आपको आसान लगेगी, ठीक है। देखो ये रेशो आ गया, अब वो क्या कह रहे कि सी का शेयर बताओ, सी का शेयर कितना था 60 डिवाइड बाय सब 8 + 9 = 17, कैरी 1 हो जाएगा, 6 + 3 = 9 + 2 = 11 + 1 = 19050, ठीक है। अब इस नंबर से इसको पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये किस नंबर पे डिवाइड होगा वो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन अब हमें करनी पड़ेगी, और ये किस पे डिवाइड होगा, सबसे पहले तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 पे ही डिवाइड होगा, 1 पे डिवाइड होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो ये लास्ट में 5 है तो 5 पे ही डिवाइड होना चाहिए, उसके अलावा तो डिवाइड होगा नहीं किसी पे भी, तो 90,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर परचेज एट द रेट ऑफ 8 for 1 rupees and some mangoes at the rate of 6 for 1 rupee, investment being equal in both cases. देखो इससे पहले जो हमने इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना उसमें क्या होता था, क्वांटिटी इक्वल होती थी, बट यहाँ इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो हम कहते हैं कि पहले 8 उसने 1 रुपए के खरीदे, दूसरे 6 उसने 1 रुपए के खरीदे, इक्वल इन्वेस्टमेंट है, तो 14 उसने कितने रुपए के खरीदे हैं, 2 रुपए के खरीदे हैं, ठीक है, कितने के खरीदे, 2 रुपए के। नाउ द होल क्वांटिटी सोल्ड एट द रेट ऑफ 3.5 मैंगोज पर रुपी, वट इज द नेट प्राइस, ठीक है। अब देखो टोटल उसने कितने परचेज किए थे 14, और ये पर में कितने का सेल कर रहा है 1.35, इसको सोल्व करेंगे तो 4 में सेल करेगा, तो 2 रुपए के खरीद के 4 में सेल कर रहा है, तो मतलब 100% प्रॉफिट ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन ए सिटी इज 3:7, मेल और फीमेल अगर ये 300 है तो इसको 700 मान लो। The children percentage among the male and female of the city is 25% and 30%. इसका 25% calculate करूँगा तो 75, इसका 30% calculate करूँगा तो 210, ठीक है। If the number of adult male in the city, देखो अगर 75 male है तो मतलब जो 225 बचे हैं वो मेरे क्या हैं, adult हैं, मतलब 18,000 आ गए, तो 1 की value क्या आ जाएगी, divide by 225, और उसने बोला कि टोटल बताओ, टोटल जो कि हमने 1000 मान रखे थे, 25 से डिवाइड करूंगा तो इसको 40 पे डिवाइड करेगा ये 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कर देगा 2000, तो
80,000 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शालिनी प्रेजेंट एज इज 5 times ऑफ हर डॉटर प्रेजेंट एज। देखो शालिनी की जो एज है वो 5 times है अपनी बेटी की एज का। एंड द रेशियो बिटवीन शालिनी एज एंड हर फादर एज, ये शालिनी की डॉटर, ये शालिनी के फादर, ये कितना है 2:5। मतलब इसके फादर की एज 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, देखो 10, ये 25 और ये 2। इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 6 ईयर हैंस वाज 43। देखो 43 × 3 129 है, ये कब है 6 ईयर हैंस, आज से 6 साल बाद, तो इसमें से माइनस 18 कर दो तो ये कितना आ गया, आज के दिन उन तीनों का जो टोटल सम है वो 111 है। और यहां से मैं बात करूं तो 37 की वैल्यू 111, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। उसने पूछा क्या, देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर जो कि कितना होगा 6, कितना होगा 6, एंड डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ शालिनी एंड हर फादर 15 × 3 कितना हो जाएगा 45, 3 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 15, तो 2:15 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 9 hours, ठीक है, पार्शली ऑन फूट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। हम कहते हैं चलो एक्स टाइम लिया होगा, एक्स टाइम लिया उसने पैदल चलने में, ठीक है, और 9 घंटे में से बाकी बचा हुआ टाइम लिया उसने साइकिल से चलने में, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 61। तो 4x प्लस 81 माइनस 9x इज इक्वल टू 61। तो 5x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो फुट से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 4 × 4 16 किलोमीटर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 varieties ऑफ टी वर्थ 60 rupees ए केजी एंड 65 rupees ए केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 और प्रॉफिट कितने का होगा 10%। मतलब जो ये वैल्यू है ना, ये 110 की वैल्यू है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, पहले 6 पे और फिर दोबारा 6 पे, 2 पे सॉरी। तो मतलब जो मिक्सचर की कॉस्ट थी, जो सेलिंग प्राइस था, जो उसको वो सेलिंग प्राइस कितना था 68.20, तो कॉस्ट कितनी थी 62 rupees। तो ये 60 और ये 65, सेंटर में कितना हो गया 62, एलिगेशन लगा दो, इधर 3 और इधर 2, और 3 और 2 के रेशो में उनको ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट इन 2 schemes ए एंड बी ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिव एंड रिसीव इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम्स आफ्टर 3 years, टाइम इक्वल है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बोथ स्कीम इज 7:5 तो वैल्यू कितनी होगी, इसका रिवर्स कर दो बस और कुछ नहीं करना, 5:7। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 days, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 days, ए प्लस बी किसी वर्क को 30 days में कंप्लीट कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days। देखो अगर 30 दिन में काम पूरा करते हैं तो 1 दिन का काम कितना होगा 1/30, तो 20 days किया मतलब 2/3 वर्क तो कर दिया उन्होंने। देन बी लेफ्ट, उसके बाद बी चला गया, आफ्टर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखो अगर 2/3 वर्क हो गया है तो बचा कितना आपका 1/3, बचा कितना 1/3, और ये जो 1/3 वर्क है ये ए ने 20 days में कंप्लीट किया, ठीक है। अगर ए 1/3 वर्क 20 days में करता है तो कंप्लीट कितने में करेगा 60 में, और ए प्लस बी का हमारे पास था 30 days, एलसीएम लेंगे तो 60, ये एफिशिएंसी 1 और ये 2, तो दैट मींस बी की एफिशिएंसी भी क्या है 1, तो 60 / 1, तो अगर अकेला बी भी करेगा तो इस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर देगा 60 days में कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट, ओके ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज आपके लिए ज्ञान कुछ नया लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ MOC 74 में, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIPS।
अब यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके पास स्पीड के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया है, और ये पूछा गया है कि आपके पास स्पीड में मिप्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगा। अगर मैं अब स्पीड की बात करता हूँ तो आपके पास मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है, तो मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, ये तो सही है। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर स्पीड सिग्नल एंड सिंबल, ये तीनों के तीनों गलत हैं। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है? द डैश अनेबल्स अ कंप्यूटर सिस्टम टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू आप आउटसाइड वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर सकते हैं? इनपुट डिवाइस यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ALU या फिर आउटपुट। तो इनपुट, तो इनपुट देने के काम आता है, स्टोरेज स्टोर करने के, ALU प्रोसेस करने के। अब जो इंटरेक्ट करना है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? आउटपुट यूनिट। क्या रहेगा? आउटपुट यूनिट। तो डी ऑप्शन इसका बनेगा, जैसे कि मॉनिटर हो गया, ठीक है ना, तो वो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड? ओरिएंटेशन के बारे में आपसे पूछा गया है कि अगर ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो वो किस टाइप से होगा? इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस या फिर रिव्यू। तो ये जो काम होता है वो किससे होता है? बी ऑप्शन, पेज लेआउट से आपके पास ये टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो सबसे पहले है आपके पास डॉट मैट्रिक्स जो है नॉन इम्पैक्ट, ये तो गलत है भैया, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, पहला गलत। प्रोड्यूस कार्बन कॉपी सही है। कैरेक्टर प्रिंटर, हाँ कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पे काम करता है, तो ये सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है। आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अगर बात करता हूँ, माइक्रोफोन इनपुट है, आपके पास कैमरा इनपुट है, OCR इनपुट है, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस, तो आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास हाउ कैन वी एंटर डेटा इन करेक्ट इन चार्ट इन एम एस एक्सेल पावर पॉइंट? एम एस एक्सेल में आप लोग चार्ट में जो डेटा है वो कैसे एंटर कर सकते हैं? डायरेक्टली एंटर डेटा इन टू चार्ट, या फिर क्रिएट अ टेम्पलेट एंड एंटर द डेटा इन इट टेम्पलेट बना के, या फिर टाइप इट इन वर्ड डॉक्यूमेंट दैट कम्स विद इन द एडिट चार्ट ऑप्शन, या फिर टाइप इन द एक्सेल स्प्रेडशीट दैट कम्स विद एडिट चार्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी चार्ट की बात आती है तो एम एस एक्सेल ओपन होता है, और एक्सेल में ही आप लोगों को या स्प्रेडशीट में ही आपको डेटा को क्या करना होता है? लिखना या फिर एडिट करना होता है। तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। इन एम एस वर्ड 2019 B*T इज यूज इन अ वाइल्ड कार्ड सर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च रिजल्ट विल बी शोन? पहले ये आपको पता होना चाहिए ये B*T है क्या। ये जो आपके पास है ना स्ट्रीक, इसको बोला जाता है वाइल्ड कार्ड, और वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है सर्च करना। अब मान लो एक वर्ड आपके पास, जैसे यहाँ B से स्टार्ट हुआ है और आखिरी उसका वर्ड आखिरी अल्फाबेट T था, पर मुझे ये नहीं पता कि बट था, बूट था या ब्रस्ट, तो मैंने क्या किया, B*T लिख के कंप्यूटर पे सर्च अगर मैं करूँगा तो बी से जितने भी वर्ड स्टार्ट हुए होंगे और जितने भी टी पे एंड हुए होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, तो ये तीनों के तीनों मेरे पास शो होंगे। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। इन एमएस एक्सेल 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू गेट ओपन ऑप्शन? तो आपको मालूम है कि 2019 में आप लोगों ने अगर ये करना है तो ओपन आपके पास यहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ ही होता है, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंट एरिया आइकन इज फाउंड इन विच टैब ऑफ MS Excel 2009? प्रिंट एरिया जो है वो आपके पास कहाँ में मिलता है? आपके पास पेज लेआउट में, इंसर्ट में, डेटा में या फिर रिव्यू में? वो मिलता है पेज लेआउट व्यू में, मतलब ओरिएंटेशन के पूछा गया है। होपफुली यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज आपां पंजाब दा 74वां मॉक टेस्ट सॉल्व करांगे जी। चलो शुरू करदे हां जी। पहला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज डाइसेक्टेड बाय डाइसेक्टेड विद चोज़?
ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੋ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ, ਐਲੂਵੀਅਲ ਪਲੇਨਸ, ਡਿਊਨ ਸਟੱਡਿਡ ਏਰੀਆਸ ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਦੀਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ। ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਰੈਵਲਰ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਹੂ ਵਿਜ਼ਿਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਟਾਕਡ ਹਾਈਲੀ ਆਫ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੂਪਨਗਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾੜਾ, ਤੀਸਰਾ ਸੰਘੋਲ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸੰਘੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਤੁਦਰੀ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘੋਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਤੂਪਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤੂਪਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਮੀ ਮੋਂਡ ਸੈਮੀ ਹੈਮੀਸਫੇਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਲਾਈ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਦਕੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਦਕੀ ਜਾਂ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਊਂਡਡ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1851 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਵਾਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਬਾਏ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1909, 1932 ਜਾਂ 1935? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, 1919। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੈਗਿਊ, ਚੈਮਸਫੋਰਡ, ਰਿਫੋਰਮਸ। ਮੋਂਟੈਗਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਰੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਜੁਲਾਈ 1985 ਵੈਨ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਵਾਸ ਸਾਈਨ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜੀ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਐਨ ਇਸਕੇਪ, ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਐਨ ਇਸਕੇਪ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈ ਅਦਰ ਟੂ ਡੋਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਹੂ ਲੇਡ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ? ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
इन्हों ने जोड़ा है तुम मॉडर्न हिस्टरी के एक नाम सुना है जी एनी बसंत। एनी बसंत ने जोड़ा है सेंट्रल हिंदू यूनीवर्सिटी ओपन की सी बनारस के जी इन्ह की अगवाई हेठ ही अगे जाके बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी बनती है। नैक्सट क्वेश्चन जी अपना हू वॉज अवॉर्डिड विद साहित्य अकैडमी अवॉर्ड 2022 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंजाबी लैंगुएज। पंजाबी भाषा के अपना योगदान पाने के लिए किस लेखक नूं या किहड़े लिखारी नूं जिहड़ा है साहित्य अकैडमी अवार्ड दिता गया। पहला ऑप्शन है जी खालिद हुसैन, दूसरा है जी सुखजीत, तीसरा है जी वरियाम सिंह, चौथा है जी कृपाल काजक। इसका सही उत्तर होएगा जी सुखजीत। साहित्य अकैडमी अवार्ड जिहड़ा है जी ये पहली बार भारत के 1954 के दिता देना शुरू किया गया और यह दिता किस फील्ड से जाता है जी, ये दिता जाता है अपने लिटरेचर के फील्ड के। ठीक है जी। और साहित्य अकैडमी अवार्ड अपने भारतीय संविधान के 22 जड़ियाँ ऑफिशियल लैंग्वेजिज ने जी इन्हों के दिता जाता है। ठीक है जी। तो इस साल 2022 का अवार्ड मिले सुखजीत। नैक्सट क्वेश्चन जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कोज लॉस इन द मालवा रीजन ऑफ पंजाब इन सदर रीजन ऑफ पंजाब कंप्राइजिंग पटियाला संगरूर एंड मानसा। पंजाब का जोड़ा सदर रीजन है या दखनी रीजन है उत्थे कि दरिया ने जोड़ा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। पहला है जी सतलुज रिवर, घग्गर रिवर, सरहंद कनाल या ब्यास रिवर। जे तुसी पंजाब दा सिंपल मैप भी देखोगे जी ये तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है गया। मैप दे विच तुहानू पता लग जाएगा अपने साउथ दे विच जिहड़ा है घग्गर दरिया चलता है जी। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी द पंजाब टॉप्ड ऑल अदर स्टेट्स इन द प्रोडक्ट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ। पंजाब ने पूरे भारत दे विच किस चीज़ के मतलब पैदावार दे विच सब तो उपरला स्थान हासिल किया है। पहला है जी ग्रेप्स, किन्नू, तीसरा मैंगो, चौथा स्ट्रॉबेरी। इसका सही उत्तर होएगा जी ऑप्शन नंबर बी किन्नू। इसकी ज़्यादातर खेती कितने होंगी है जी अपने अबोहर एरिया दे विच होंगी है जिस करके अबोहर नू कैलीफोर्निया ऑफ पंजाब भी कह देंगे ने गे। नैक्सट क्वेश्चन जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैटलैंड एज वैल एज वाइल्डलाइफ सेंचुरी। पंजाब दे विच केड़ा इहो जिहा रीजन है जिहड़ा एक वैटलैंड भी है अते वाइल्डलाइफ सेंचुरी भी है। दखनी रहमपुरा, सैकेंड ऑप्शन है जी केशोपुर, थर्ड है हरीके, फोर्थ है जी ऐशवान। इसका सही उत्तर होएगा जी हरीके। हरीके पत्तन या हरीके थोनू सुने होएगा जी यह एक वैटलैंड भी है वाइल्डलाइफ सेंचुरी भी है। इस तो इलावा की है जी इतने ब्यास से सतलुज रिवर ने जोड़े ये मिलते भी ने। इस तो इलावा जो हम सर्दियाँ आ गई जी सर्दियों के कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स नॉर्थ पोल तो मतलब अपने इक्वेटोरियल रीजन वाले या ट्रॉपिकल रीजन वाल मूव करना शुरू करते हैं तो सर्दियों के कई सारे पंछी जो ने हरीके पत्तन भी आके रुकते हैं। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। इन्हां विचों केड़ी नदी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है। उज, वाइट वेई, चिट्टी वेई या पटियाला की राओ, चौथी है जी पार्वती रिवर। इहदा सही उत्तर होएगा जी चिट्टी वेई। तुसी पार्वती रिवर कमेंट करके दस्सो जी ये किहड़े दरिया की अपनी ट्रिब्यूटरी हैगी है। नैक्सट क्वेश्चन जी द एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज रिपोर्टेड टू हाउस। मतलब जिहड़ी सब तो पुरानी तक्षशिला नाम का शहर सी यह की सी द ओल्डेस्ट यूनीवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट हिंदू टैंपल इन द वर्ल्ड या ओल्डेस्ट मोस्क इन द वर्ल्ड। भी तो इसका सही उत्तर होएगा जी तक्षशिला एक प्राचीन समय के अपनी यूनीवर्सिटी होया करती सी। अज का जिहड़ा अपना अफगानिस्तान वाला रीजन आ गया जी ये उधरले रीजन के अज की डेट के देखने मिलेगी। नैक्सट क्वेश्चन है जी द मुगल कंट्रोल द रीजन ऑफ पंजाब। मुगलों ने पंजाब के उत्ते कदों तो कदों तक जिहड़ा है अपना कब्जा जमा के रखा। पहली ऑप्शन है जी 1536 तो लैके 1739, दूसरी ऑप्शन है जी 1526 तो लैके 1739, तीसरी ऑप्शन है जी 1526 तो 1799 और चौथी ऑप्शन है 1556 तो 1739। इसका सही उत्तर होएगा जी 1526 तो लैके 1739। 1526 पता जी थोड़ा पानीपत का पहला युद्ध होया जिस बाबर ने इब्राहिम लोधी हरा के जिहड़ा है अपना मुगल एम्पायर शुरू किया। 1739 के जिहड़ा है करनाल का युद्ध होंगे जी नादिर शाह का भारत पर हमला होंगे है जिस तो बाद जिहड़ा है पंजाब का रीजन इंडिपेंडेंट होना शुरू होंगे है। सिख मिसलों का राइज होएगा फिर बाद महाराजा रणजीत सिंह का रूल इस्टैबलिश होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी बाबा बंदा सिंह बहादुर वॉज एन एसैटिक। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक साधु सके अते यह किहड़े शख्सियत नाल मिलके जिहड़ा है या किहड़े गुरु साहिबान नाल मिलके सिख धर्म दे विच आंदे हन। पहला है जी हू कन्वर्टिड टू सिखिज़म आफ्टर मीटिंग गुरु हरगोबिंद जी। सैकेंड ऑप्शन है जी हू कन्वर्टिड टू सिखिज़म आफ्टर मीटिंग गुरु हर राय जी। थर्ड ऑप्शन है जी हू कन्वर्टिड टू सिखिज़म आफ्टर मीटिंग गुरु तेग बहादुर जी। फोर्थ ऑप्शन है जी हू कन्वर्टिड टू सिखिज़म आफ्टर मीटिंग गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इसका सही उत्तर होएगा जी गुरु गोबिंद सिंह जी। तुसी एक चीज़ का कमेंट करके आंसर देना जी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल मिलन तो बाद जो ये बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख धर्म के आए तो इन्हों का नाम बदल के की रख्या गया। नैक्सट क्वेश्चन जी
पंजाब वॉज अनैक्सड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय पंजाब के उत्ते अंग्रेजों का कब्जा कदों होया द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1849 ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1849 ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1869 और फोर्थ है जी ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846 सैकेंड एंगलो सिख युद्ध तो बाद जो अंग्रेजों ने भारत पंजाब के उत्ते कब्जा किया जी तो लाहौर की संधि की गई सी तो लाहौर की संधि हुई है 1849 के 1848 तो 49 अपना सैकेंड एंगलो सिख युद्ध का समा चलेगा उस समय पंजाब के जोड़े महाराजा से महाराजा दलीप सिंह से। सो अज की क्लास के गाइज इन्ना ही नहीं मिलते हैं जी नैक्सट क्लास के थैंक यू। हाँ जी गुड ईवनिंग एवरीवन सत श्री अकाल जी सारयां नूं अज आपां जीके का 74वां टैसट सोल्व करांगे जी चलो शुरू करते हैं जी। मम्स इज द डिजीज्ड कोज्ड बाय फंगस बैक्टीरियम वायरस नन ऑफ दीज इज द सही आंसर होएगा जी वायरस ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन जी मोस्ट अबंडेंट टिशू ऑफ अवर बॉडी आर ए ऑप्शन मस्कुलर सेकेंड है जी स्केलेटल मसल थर्ड है जी एपिथेलियल फोर्थ है नर्वस इस दा सही आंसर है जी मस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी विच अमंग द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड एप्पल बीन कैरेट और गुआवा इसका सही आंसर होगा जी गुआवा ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी DPT इज ए वैक्सीन फॉर डायरिया पोलियो एंड टाइफाइड सेकेंड ऑप्शन है जी डायप्थेरिया हूपिंग कॉफ एंड टैटनस थर्ड है जी डायप्थेरिया पोलियो एंड टैटनस फोर्थ ऑप्शन है जी डायप्थेरिया हूपिंग कॉफ एंड टाइफाइड और इसका आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर बी डायप्थेरिया हूपिंग कॉफ एंड टैटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन होया जी द विटामिन विच इज़ वेरी लायबल एंड ईजली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज शॉर्टेज इज विटामिन ए विटामिन B6 विटामिन सी और विटामिन के इसका सही आंसर होएगा जी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज निकोटीन क्लोरोफिल कैफीन एस्प्रिन इस दा सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर सी कैफीन। तुसी आम करके सुनिया भी होएगा जी कि कॉफ़ी दे विच आपां नूं कैफीन की मात्रा ज़्यादातर देखने को मिलती है इंडिया दे विच कमेंट करके दस्सो जी कि चाह अते कॉफ़ी इस दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स किहड़ियां किहड़ियां ने। नैक्सट क्वेश्चन जी द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज इथाइलिन इथेन कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिलीन इसका सही आंसर होएगा जी इथाइलिन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी रडार इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड सबमरीन्स रिसीविंग ए सिग्नल इन ए रेडियो रिसीवर लोकेटिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज एरोप्लेन्स रडार इन्हों के किड़िया चीज़ों वरत्या जाता है इसका सही आंसर होएगा जी डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज एरोप्लेन्स इस तो इलावा कई बार जड़े हवाई जहाज होंगे ने जी एरोप्लेन होंगे ने इस कुछ क मिसाइल होंगे ने उन्होंने भी चैक करने रडार की वरतों की जाती है ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन जी साउंड ऑफ फ्रीकुएंसी बिलो 20 हर्ट्स इज कॉल्ड ऑडियो साउंड इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक इसका सही आंसर होएगा जी इंफ्रासोनिक ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट क्वेश्चन होया जी अपना मटीरियल फॉर रेनप्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओ देयर waterproof properties to surface tension viscosity specific gravity elasticity is the sahi answer hoega ji surface tension theek hai ji। next question aaya ji apna which of the following is the lightest gas inna vicho kehdi gas sab to halki hai nitrogen hydrogen ammonia carbon dioxide aur is the sahi answer hoega ji hydrogen। next answer aaya ji question aaya ji apna गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच स्पेशल मिशन फॉर डिवेलपिंग द सैमी कंडक्टर्स एंड डिस्पले मैनुफैक्चरिंग इको सिस्टम इन इंडिया भारत सरकार ने कहड़ा यह मिशन चलाया जिद सैमी कंडक्टर इन्हों का जोड़ा है डिस्पले मैनुफैक्चरिंग मतलब इन्हों की मैनुफैक्चरिंग डिस्पले किया जाऊगा पहला ऑप्शन है जी मिशन सिलीकॉन इंडिया मिशन सैमी कंडक्टर इंडिया सैमी कंडक्टर मिशन फोर्थ है जी इंडियन सॉरी प्रोजेक्ट सिलीकॉन वेंचर इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर सी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन।
सैमी कंडक्टर बेसिकली वह चीज़ होगी जी जो किसी चीज़ के आप करंट पास करिए तो वह थोड़ी जी मैगनेट की प्रॉपर्टी मतलब मैगनेट की तरह एक्ट कर लग जाए उस चीज़ को आप सैमी कंडक्टर की चीज़ कह सकते हैं। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन आया जी, द मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी हैज़ अप्रूव्ड सैटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फस्ट ग्रैफिन इनोवेशन सेंटर इन विच स्टेट, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरला। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी, केरला। नैक्सट क्वेश्चन जी, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोआला एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर बी। कई बार तुसी फॉरेस्ट फायरस के बारे सुनया होगा जी, जंगलों जो अग लगती है ऑस्ट्रेलिया के जो पहला थोड़े एक दो साल पहला जो ऑस्ट्रेलिया के अग लगी सी तो उत्थे एक छोटा जिहा भालू हुंदा जी कोआला नाम का, तो उत्थे जिहड़ा है इन्हां दी काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा है मास डिस्ट्रक्शन हुई सी, क्योंकि काफ़ी सारा इन्हां दा हैबिटेट या इन्हां दा रहन वाली थान जिहड़ी है वह डिस्ट्रॉय हो चुकी सी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन आया जी, डैश बिकम द फस्ट कंट्री टू इशू सर्टिफिकेट फॉर अनमैंड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स टू ऑपरेट इन द सिविलियन एयर स्पेस। ऑप्शन ने जी इजराइल, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्वे। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी अपना, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी बेसिकली आप रिवोल्ट ऑफ 1857 ही कह दें जी, 1857 की क्रांति आप सिपाही म्यूटनी भी कह दें जी, इंडिया की आज़ादी की पहली लड़ाई फस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह दें, तो उस समय भारत के जोड़े गवर्नर जनरल से उन्होंने नाम से जी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन आया जी अपना, जी एस टी वॉज पासड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जी एस टी लैके आने के लिए भारत सरकार ने किड़ा संविधान संशोधन एक्ट पास किया, 120, 101, 99 या 75। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर बी, 101 अमेंडमेंट एक्ट। अगर इस केस का इसका यह पूछा जाए जी जी एस टी अमेंडमेंट बिल केड़ा सी, तो बिल नंबर हैगा सी जी 122। जी एस टी का बिल नंबर से 122, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जी 101 नंबर का, और इसका साल से जी 2016, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया जी। नैक्सट क्वेश्चन आया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द स्लैब्स ऑफ टैक्स अंडर जी एस टी। जी एस टी के इन्हों के स्लैब नहीं हैगी, 5%, 12%, 18% तो 9%। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी, 9%। नैक्सट क्वेश्चन जी, ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेनटेन ए सर्टन पोर्शन ऑफ देयर बैंक सर्टन पोर्शन ऑफ देयर नैट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश, द रेशो इज ऑल्सो नोन एज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, कैश रिजर्व रेशो CRR। बैंकों को अपने कोल जिहड़ा टाइम डिपोजिट या डिमांड डिपोजिट के विच पैसा पिया हुंदा उहदे विचों कुछ क हिस्सा जिहड़ा है RBI दे विच रखना पैंदा है पैसे दे फॉर्म दे विच। ठीक है जी, तो उहनां विचों इहनां उहनां उह कीहड़ी रेट हैगी है जिहदे थ्रू इह रखदे नेगे, तो इसका सही आंसर होएगा जी CRR, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है जी, कैश रिजर्व रेशो दे विच पैसा जिहड़ा है सिर्फ और सिर्फ कैश दी फॉर्म दे विच ही रख्या जाएगा। क्लीयर है जी, नैक्सट क्वेश्चन जी, द रैपो रेट इज़ डिसाइडिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रैपो रेट नूं इन्हां दे विचों किहड़े द्वारा निश्चित किया जाता है, पहला ऑप्शन जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ RBI, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और लास्ट है जी मिनिस्ट्री मोनिटरी पॉलिसी कमेटी। इसका सही आंसर आएगा जी मोनिटरी पॉलिसी कमेटी। मोनिटरी पॉलिसी कमेटी का कमेंट करके दस्सो जी कि इहदे विच किन्ने मैंबरां दी बॉडी है, इहदे विचों किन्ने मैंबर ने जिहड़े सरकार द्वारा लगाए जाते हैं अते किन्ने मैंबर ने जिहड़े RBI द्वारा लगते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाइक द रैपो रेट ऑन May 4 बाय 40 basis points, टेकिंग इट 4.40% विद द इमीडिएट इफेक्ट, विच वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हाइक। मतलब रैपो रेट बधाया, मतलब RBI द्वारा रैपो रेट नूं 40% या 40 basis points तक बधाया गया, इसनों बधाने का मेन रीज़न की सी, टू रीन इन द इनक्रीजिंग इनफ्लेशन, टू बूस्ट द इकनोमिक ग्रोथ, टू अलाउ बैंक्स टू डू मोर लैंडिंग, टू इनेबल बैंक्स टू लोअर द लैंडिंग रेट। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर ए, टू इन रीन द इनक्रीजिंग इनफ्लेशन, मतलब आपने महंगाई से पकड़ नू या रोक लगानी सी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन आया जी अपना, US फैडरल रिजर्व हाइक डिट्स बेंचमार्क इंट्रस्ट रेट ऑन May 4 बाय ए रेयर 0.5 percentage point, वेयर आर द हैडक्वाटर्स ऑफ द US फैडरल रिजर्व सिस्टम। जिस तरह भारत का RBI बैंक है जी, RBI का हैडक्वाटर थोड़ा अज की डेट के बॉम्बे देखने मिलेगा, बॉम्बे या मुंबई के।
बट अमरीका का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है US फैडरल रिजर्व। यद हैडक्वाटर पूछा गया जी भी कि जगह के उत्ते है। पहली ऑप्शन जी न्यूयॉर्क, सैकेंड शिकागो, थर्ड है जी वाशिंगटन DC, फोर्थ है लॉस एंजलस। इसका सही आंसर है जी वाशिंगटन DC। ठीक है जी, वाशिंगटन DC अमरीका की राजधानी भी आ गई। एट विच प्लेस द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन रेट्स सैकेंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन ऑन May 4। ठीक है जी, इसका सही ऑप्शन है जी पणजी, कोची, त्रिवंद्रम और नवी मुंबई। और इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी अपने को, केरला फिनटेक कंपनी ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बिकम इंडियाज 100th यूनिकॉर्न कंपनी, वट टाइप ऑफ कंपनी इज इट। ठीक है जी, मतलब भारत का जोड़ा 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बनी है उन्होंने वो कि तरह की कंपनी है। पहला है जी नियो बैंक, बी ऑप्शन वर्चुअल बैंक, सी ऑप्शन डिजिटल बैंक और लास्ट ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होएगा जी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी अपने को, ICGS कमला देवी बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता वॉज इंडक्टेड इन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन May 2 इन कोलकाता, वट टाइप ऑफ वेसल इज इट। ऑफशोर पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल, ऑफशोर गनबोट, फोर्थ है जी लाइट सबमरीन। इसका सही आंसर होएगा जी फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अज की क्लास के गई से इन्ना ही, मिलते हैं जी नैक्सट क्लास के। ठीक है जी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो मॉक 74 में हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये एक छोटा सा पजल है जिसको कि आप लोगों ने चेक करना है। क्या लिखा है? 6 पर्सन PQRSTUR रिजाइडिंग इन द सेम अपार्टमेंट। आपके पास 6 पर्सन है PQRSTUR सेम अपार्टमेंट में रहते हैं। आउट ऑफ 6 पर्सन 6 में से 3 आर जज, 1 पेंटर एंड 1 ड्रामेटिस्ट। ठीक है, आपके पास ये है। इन द ग्रुप आपके पास क्या है? देयर आर 2 मैरिड कपल। 2 क्या है? मैरिड कपल हैं। 2 आर मैरिड कपल। 9 मेंबर इन द ग्रुप इज पेंटर, 4 ड्रामेटिस्ट। तो कोई भी जो है 9 मेल मेंबर जो, तो मतलब पेंटर भी फीमेल है और ड्रामेटिस्ट क्या है आपके पास, ये उसने साफ तौर पे आपके पास बोला है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेता हूँ। 3 क्या है? जज हैं। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या है? एक पेंटर है और ड्रामेट। दोनों के दोनों क्या है? फीमेल हैं, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब आगे यहाँ पे चेक करते हैं। आगे है यू इज इन हिज, हिज का मतलब होता है मेल। यू इज इन हिज ओल्ड एज एंड ही लिव्स विद हिज मैरिड सन आर। यू जो है वो आपके पास मेल है, तो ये क्या है? ओल्ड पर्सन है और अपने सन आर के साथ, मैरिड सन आर के साथ यहाँ पे रहता है। ये लिखा है यू इज इन हिज ओल्ड एज एंड ही लिव्स इन विद इज हिज मैरिड सन आर, और उसका सन कौन है? आर है। अमंग द 3 जज हस्बैंड ऑफ, अब यहाँ पे देखो इस लाइन का मीनिंग समझना पड़ेगा। अमंग 3 जज, 3 जज में से हस्बैंड ऑफ एस विद होम हिज ओल्ड एज फादर लिव्स। अब देखो एस जो है हस्बैंड ऑफ एस, और उसका जो एस का जो हस्बैंड है वो अपने ओल्ड एज फादर के साथ रहता है। तो ओल्ड एज फादर कौन था? यू, तो उसका सन कौन था? आर। इस लाइन का ये मीनिंग था। यहाँ पे लाइन कंफ्यूज करती है बच्चों को, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया है। देन आगे क्या है? लिव्स अर्न मोर देन टी। अब आपके पास यहाँ पे आर जो है, अगर मैं बात करता हूँ, आर जो है वो टी से ज़्यादा पैसे कमाता है। एंड टी हु इज हु इन टर्न गेट मोर देन क्यू।
ये तो क्यू से ज़्यादा पैसा कमाता है। तो आर आपके पास, आर टी क्यू आपके पास, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ गई। देन आगे आपके पास क्या लिखा है, द वाइफ ऑफ वन ऑफ द जज इज ड्रामेटिस्ट। ठीक है, एक जज की वाइफ जो है वो क्या है, ड्रामा करती है, ड्रामा कंपनी में है। देन आगे है, पेंटर अर्न लेस देन हर हस्बैंड, मतलब पेंटर क्या है, फीमेल, बात तो पता चल गई, पेंटर जो है वो क्या है, एक फीमेल है। हर हस्बैंड, इसका हस्बैंड इस तरफ आप बना सकते हैं, ऑब्वियस है हस्बैंड होगा कौन, एक जज ही होगा। ठीक है, इतनी बात तो हमें मालूम है कि आपके पास है क्या, जज और ड्रामेटिस्ट के बारे में ही चल रहा है। देन आगे आपके पास क्या है, हिज हस्बैंड हु इन टर्न अर्न लीस्ट अमंग द जजेस, तो सबसे कम जो है इसका हस्बैंड यहाँ पे कमाता है, तो सबसे कम कमाने वाला बंदा आपके पास है यहाँ पे क्यू। तो क्यू अगर आपके पास यहाँ पे है तो आर तो यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, अब एक ही बंदा बचा है आपके पास पी, पी क्या हुई, फीमेल हुई अपने आप में, और क्यू क्या हुआ, मेल हुआ। तो आपके पास यहाँ पे जज आ जाएगा और ड्रामेटिस्ट, ठीक है। अब आखिरी में आपके पास क्या लिखा हुआ है, द ड्रामेटिस्ट अर्न लीस्ट इन द ग्रुप, सबसे कम आपके पास यहाँ पे जो है पैसे कमाती है। तो अगर मैं आगे आपके पास यहाँ पे बात करता हूँ, टोटल बंदे छः थे, तो एक दो तीन चार पाँच, अब एक बंदा बचा है, वो कौन बचा है, टी। तो टी के बारे में अभी आपको कुछ पता, तो टी को आप लोग यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। अब सबसे पहले, अब टी हु अर्न गेट मोर मनी, अब यहाँ पे भी आ गया है, छः बंदे थे जिसमें कि आपके पास तीन जज थे, दो ये थे, ठीक है ना। तो एक जज आ गया, दूसरा जज आ गया, तो टी भी अपने आप में क्या होगा, जज ही होगा, होपफुली बात क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज अनमैरिड जज इन द ग्रुप, तो अनमैरिड जज एक ही था, वो था बी, मतलब टी। नेक्स्ट आपके पास, हु इज द हस्बैंड ऑफ ड्रामेटिस्ट, ठीक है, तो ड्रामेटिस्ट का हस्बैंड जितना मेरे को याद है आर था, और फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिए, आप लोग आर ही होना चाहिए, आर था, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेट द हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी तो सबसे पहले थी आर की, आर ही आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे मैं बात करता हूँ, हु इज द ड्रामेटिस्ट इन द ग्रुप, तो वो आर और एस, तो ड्रामेटिस्ट एस था। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फीमेल मेंबर इन द ग्रुप, तो फीमेल मेंबर एक तो पी थी और दूसरी थी एस, तो पी और एस जो था डी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, तो अगले क्वेश्चन में चेक करते हैं, 325, तो इसका कोड क्या दे रखा है यहाँ पे, 325 मीन्स प्ले विद टेक्ट, प्ले विद टेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है 715 मीन्स कॉपी कोप विद प्रेस, एंड 749 मीन्स प्रेस एंड स्ट्रेन, तो हमें कोड निकालना है स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन का कोड आपके पास यहां से निकलेगा, प्रेस यहां पे है, स्ट्रेस यहां पे है, तो साथ साथ आ गया, तो स्ट्रेन का कोड 4 और 9, आइदर 4 और 9, ए ऑप्शन आपके पास आंसर, 4 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है साइलोजिज्म से, ऑल फ्लावर आर, सारे के सारे फ्लावर क्या हैं, के अंदर हैं, रूम के अंदर, एंड सम रूम आर विंडो, सम रूम आर विंडो, एंड ऑल कार्ड आर विंडो, सारे के सारे कार्ड, ठीक है, सम कार्ड आर फ्लावर, सम कार्ड आर फ्लावर गलत, सम कार्ड आर रूम, सम कार्ड आर रूम गलत, सम विंडो आर फ्लावर, सम विंडो आर फ्लावर कोरिलेशन, ऑल कार्ड आर रूम, ऑल कार्ड आर रूम गलत, चारों के चारों अगर गलत हैं तो आइदर आपके पास होता है पर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा नन फॉर वॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करता हूँ तो कितने का गैप आपको दिख रहा है, 20.5 का, आगे अगर यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो 22.5 का, आगे यहाँ देखता हूँ तो आपके पास 24.5 का, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो 162.5 आंसर आ जाएगा, 1.5 यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इस
ऐसे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट लाइन अप इन अ क्वे इन विच आशीष स्टैंड 15th फ्रॉम द लेफ्ट। आशीष जो है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड ले लीजिए। देन आगे आपके पास क्या है, सचिन 7th फ्रॉम द राइट। सचिन जो है 7th फ्रॉम द राइट, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस सचिन वुड बी 15th फ्रॉम द राइट। अब इंटरचेंज करेंगे तो सचिन यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, इंटरचेंज करने के बाद सचिन यहाँ पे आ गया। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन अ रो, तो अब आपको मालूम है कि टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस ओ वन। लेफ्ट साइड से 15 है, राइट साइड से है माइनस, आपके पास टोटल इज इक्वल टू आपके पास सी ऑप्शन जो है डायरेक्ट आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। इफ जून फॉल 24th जून जो है 2021 को, तो आपके पास क्या है लास्ट डे। तो आपसे पूछा गया है 24 जून 2019 को क्या था, मतलब ये पूछा गया है 21 था, यहाँ पे 20 आया होगा, 20 से पीछे 19 आया होगा। अब देखो 20 जो है वो एक लीप ईयर था, तो लीप ईयर जब भी पार करते हो तो एक दिन एक्स्ट्रा पार करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या रहा होगा मंडे, यहाँ पे रहा होगा ट्यूसडे, तो यहाँ पे वेडनेसडे छोड़ के तभी तो थर्सडे आया होगा, है ना। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, मंडे, डायरेक्ट आंसर निकाल, ठीक है ना। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, रोहन स्टार्ट फॉर मॉर्निंग वॉक टू वर्ड वेस्ट एंड वेस्ट की तरफ गया से 1 किलोमीटर, देन टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 600 मीटर, लेफ्ट लिया उसने 600 मीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1.3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 600 मीटर, यहाँ से राइट लिया और 600 मीटर, ठीक है। फर्दर इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, तो अभी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथर्न साइड। अभी कौन डायरेक्शन से मूव कर रहा है, साउथर्न साइड आपके पास मूव कर रहा है, तो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। आशा इज टॉलर देन बाबू, आशा इज टॉलर देन बाबू, ठीक है, बट शॉर्टर देन चेतन, डिम्पल इज टॉलर देन ईशा, ईशा हु इज टॉलर देन चेतन, डिम्पल हु इज टॉलर देन ईशा एंड ईशा हु इज टॉलर देन चेतन और डिम्पल, ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आपके पास पूछा गया है हु इज टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो आपके पास डिम्पल यहाँ पे है, आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा 10, 10 माने जे, यहाँ पे है 26, 25, 24, 23 और यहाँ पे आएगा 22, 22 पे आएगा वी विक्ट्री। तो ये तो सारे ही ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, बी ऑप्शन सीधा ही आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है। चलिए तो होपफुली यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत धन्यवाद। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. We are to the English section of this mock. Let's try what we have in store for this. Aapke paas ek closest tire jiski directions hai. A decade ago, a financial crisis dashed Bangkok. It swept bhi hai, ye past mein chal raha hai, toh ye bhi past mein hoga. A decade ago, a financial crisis hit Bangkok. इन द लास्ट, अब देखो अगला क्या है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 मंथ्स इट स्वेप्ट थ्रू, ये यहां से भी होकर गुजरा, थ्रू कुआलालंपुर, जकार्ता, हांगकांग एंड सियोल, एज एशियन कंट्रीज बोरोड एंड स्पेंट बियॉन्ड देयर मीन्स, टेन्स ऑफ थाउजेंड लॉस्ट देयर जॉब्स, अबंडेंट हाफ बिल्ट बिल्डिंग्स, छोड़ी हुई आधी बनी हुई बिल्डिंग्स,
throughout Asian cities stood, क्योंकि seen चाहिए तो वहाँ पे can be seen चाहिए, stood as reminders of the shattered hopes, not only of distinguished entrepreneurs, but also incompetent workers. यहाँ तक clear? अभी करेक्ट मीनिंग निकालना idioms का जो italics में दिए हैं या फिर underline दिए हैं. Caesar was done to death by the conspirators. मतलब Caesar was murdered. Next, his boss was always breathing down his leg. अब ये देखो, boss उसका abuse कर रहा था, सारे देख रहा था, loudly उस पर वो कर रहा था, या फिर giving him strenuous work. अब वो बोल रहा है breathing down his neck, सांस ले रहा था उसकी neck के नीचे. मतलब इसका मतलब हुआ कि वो person उसके neck से नीचे सब कुछ ऐसे देख रहा, जैसे ब्रीथ हमारे साथ चलती है नेक के, वो पर्सन भी सब कुछ देख रहा था. तो वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली. ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ ही फेल्ड एट हिज जंक्शन. मतलब वो वर्थ हिज सॉल्ट नहीं है, मतलब जो नमक हरामी की है, वो जो हमने उसको नमक खिलाया, खाना खिलाया, वो उसके काबिल नहीं है, वो वर्थलेस होगा. आफ्टर हैविंग फिनिश्ड द लास्ट प्रोजेक्ट आई फाइंड माइसेल्फ एट अ लूज एंड. कहता लास्ट प्रोजेक्ट करने के बावजूद भी मैं अपने आप को एक लूज एंड पर पा रहा हूँ. लूज एंड का मतलब क्या हो गया कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में. नथिंग टू डू. ये आया है आपके पास ग्रामेटिकल एरर. मेनी अ मैन हैव नहीं, हैज बीन वर्किंग अंडर मी सिंगुलर. कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है. कैटल वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आर फार्म. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.